अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि F-16 और GF-17 थंडर में क्या फ़र्क है। इसकी तफसीलात जानने के लिए हमारे पाक डिफेंस जोर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। पाकिस्तान ने भारत के जो दो तैयारे गिराए हैं, एक मरतबा फिर पाकिस्तान की बर्तरी को कायम कर दिया है। इसके साथ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के शाहकार GF-17 थंडर ने भी अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया है और इससे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और मजबूत हो गई है। जब पाकिस्तान ने भारत का MiG-21 तैयारा GF-17 थंडर से गिराया तो चीन की कंपनियों में इजाफा देखा गया है और भी मुल्क GF-17 थंडर से इम्प्रेस होकर इसमें दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। पाक फजाइया का इन्हेसार इस वक्त F-16 और GF-17 थंडर तैयारों पर है। ये दोनों जहाज किन किन सलाहियतों के हामिल हैं, आइए हम आपको इनकी तफसीलात फराम करते हैं। सबसे पहले F-16 तैयारे के बारे में बताते हैं। F-16 तैयारे को जनरल डायनामिक F-16 फाइटर फैल्कोन का दर्जा हासिल है। F-16 जहाज अमेरिका ने पाकिस्तान को फराहम किए। इसकी पहली परवाज 1973 1973 को हुई। इसकी प्राइस कीमत 18.8 मिलियन डॉलर है। इसकी रेंज 4,220 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 1.2 मैच है, मतलब के 1470 किलोमीटर पर आवर है। इसका वेट मैक्सिमम 19.2 टन है। इसकी स्पीड GF-17 थंडर से बहुत कम है। इसका वजन GF-17 थंडर से बहुत ज्यादा है। तो अब हम बात करेंगे GF-17 थंडर के बारे में। GF-17 थंडर लड़ाका तैयारा है। GF-17 थंडर कम वजन फोर्थ जनरेशन है। GF-17 थंडर मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसको पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। इसने पहली उड़ान 2007 में भरी थी। इसको बनाने की लागत 25 से 32 मिलियन डॉलर आई है। इसकी स्पीड 1.6 मॉक है, मतलब 1460 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड F-16 से कहीं ज्यादा है। इसका वजन 12.41 है, 12.41 है। GF-17 थंडर का वजन F-16 से बहुत कम है। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। खुदा हाफिज।